Assalamu alaikum, welcome to my channel Sonia Desikuti and vlog. आज हम मटन चंचन पकाना सिखाएंगे। हमारे वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम आग जलाते हैं। अब हम इसमें लहसुन डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें टमाटर काट के डालेंगे। हमने इसमें टमाटर काट के डाल दिया। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। डेढ़ चम्मच हमने ये डाल दिया। इसमें साबुत धनिया सूखा हुआ, इसको पीस के हमने डाला है। एक चम्मच नमक का हम डालेंगे। और आधी चम्मची इसमें हम हल्दी डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे, 5 मिनट तक हम इसे भूनेंगे और फिर इसमें ये शलजम ऐड करेंगे। ये 2-3 शलजम मैंने लिए हैं, इसमें शलजम दार डालेंगे। हमारा मसाला तैयार हो चुका है। देखिए हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें शलजम डालेंगे। ये शलजम इसलिए डाले हैं कि शोरबा इसका घना हो, क्योंकि इसमें हमने शलजम ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे जो पहले मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। ये देखिए गोश्त हमने पहले बॉईल करके रखा हुआ है, ये बकरे का गोश्त है। अब
हम इसको भूनेंगे। दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो मैं जितनी भी बनाती हूँ, जितनी भी मैं कुकिंग करती हूँ, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से करती हूँ। बना सकते हैं कुछ भी ना आता हो। हम इसको 5 मिनट तक भूनेंगे अच्छे तरीके से। जब भी आप चिकन बनाओ, मीट बनाओ, बीफ बनाओ, जो भी आपको उसको भी जूस आप ऐड करते हो तो आप उसमें शलजम, 1-2 शलजम डाल दो तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और सालन भी सही बना बनेगा। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इस पे ढक्कन देंगे, ढक्कन देके छोड़ देंगे। अब 10 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। हांडी बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है। ये देखें हमारा सालन बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। प्लीज़ आप भी घर में ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा कि आपकी डिश कैसे बनती है। प्लीज़ इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।